तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए स्मार्टफोन के बारे में। कमेंट वाली वीडियो बनानी थी, ओके। तो दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं हर वीडियो के एंड में बोलता हूं कि आपको अपना कमेंट पुट करना चाहिए, मतलब अपना फीडबैक तो आप डाल ही सकते हो, वैल्यूएबल फीडबैक, मतलब इस टाइप का कमेंट नहीं, थोड़े वैल्यूएबल वाले कमेंट डाल सकते हो एंड सजेस्ट कर सकते हो आपके आने वाले वीडियोस के लिए टॉपिक, मतलब कौन से टॉपिक में मुझे वीडियो बनानी चाहिए। तो आज की ये वीडियो जो है उसी कमेंट्स में से बनने वाली है। Among Us। अच्छा रुको, ठीक है, Among Us में ही वीडियो बनाते हैं। टाइम फॉर सैबोटेज। तो लिटरली बता दूं तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता, मतलब गेम रिलेटेड मैं वीडियोस नहीं बनाता हूं। हाँ, मतलब पबजी अलग जगह थी और अब बैन हो चुकी है तो हमें नया गेम भी चाहिए, पर उससे पहले जरूरी है रिसर्च करना। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे मालूम चला कि भाई अभी Among Us का युग चल रहा है, मतलब ट्रेंड चल रहा है, और ट्रेंडिंग चीज़ें हमें नहीं छोड़नी चाहिए। इजीली आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ हाउ टू प्ले Among Us इन 2020। तो देखो सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आता है आपका Among Us को डाउनलोड करने वाला स्टेप, मतलब आप पीसी पे भी डाउनलोड कर सकते हो इसको और अपने स्मार्टफोन पे भी कर सकते हो, मतलब आप दोनों ही प्लेटफॉर्म पे इसे बिल्कुल आराम से खेल सकते हो। तो सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है एंड उसके बाद इसको ओपन करते हैं, और मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन। तो ऐसा नहीं है कि पीसी वाली चीज़ों को कवर नहीं होगा, बिल्कुल सेम सा लेआउट है, सेम सा गेम है, तो थ्रू आउट सेम प्रोसेस भी होगा दोनों ही जगह। तो आप पीसी अगर यूज़र हो तो भी आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हो। तो लोग आ चुके हैं अपने स्मार्टफोन में। आपको स्मार्टफोन में मिलते हैं दो तरह के कंट्रोल, पहला है जॉयस्टिक एंड सेकंड है आपका टच। अब आते हैं, दो तरह के लोग होते हैं इस गेम में। सबसे पहले द क्रू वो हैं एक तरह कॉमनर लोग हैं जिनको कि अपना टास्क कंप्लीट करना है, और अगर वो टास्क कंप्लीट कर लेते हैं सभी कोई तो ये जीत जाएंगे या फिर इंपोस्टर को किक आउट कर देंगे। इंपोस्टर है उनमें से ही एविल, जिनका ये काम है कि क्रूमेट को मारे, और वो वेंट का भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ भी मिलती है जैसे कि सैबोटेज वगैरह, तो वो आपको गेम में ही पता चलेगा। और अगर क्रूमेट को लगता है कि हाँ ये वाला इंसान हो सकता है इंपोस्टर, तो वो उसे वोट आउट भी कर सकते हैं इमरजेंसी मीटिंग बुला के या फिर डेड बॉडी फाउंड होने पे। तो यार अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे ऑल प्रेस करो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले एंड सबसे फ्री। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले होस्टिंग से। तो होस्टिंग में आपको अपना वर्ल्ड सेलेक्ट करना रहता है, मतलब तीन टाइप के आपके मतलब मैप है, तीनों मैप में से आप कोई भी सेलेक्ट कर लो। इंपोस्टर का लिमिट कितना होगा वो आप सेलेक्ट कर लो, अगर एक इंपोस्टर है तो मिनिमम प्लेयर चार होंगे, दो हैं तो सात एंड तीन है तो मिनिमम नौ प्लेयर को खिलाना पड़ेगा। तो जल्दी से आप ये करने के बाद आप कंफर्म कर लो। उसके बाद आपको ये जो लैपटॉप सा चीज़ दिख रहा है इस पर अगर आप यूज़ टिपोगे, मतलब इसको कस्टमाइज़ करोगे, तो आप अपना अवतार को कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद आप अपना अवतार को कस्टमाइज़ करने के बावजूद भी आप इस गेम को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, मतलब इंपोस्टर कितना जल्दी चलेगा, आपका क्रूमेट जो है वो कितना जल्दी चलेगा, कितना दूर तक देख पाएगा, कितना दूर से वो मार पाएगा, अटैक कर पाएगा, कितना इमरजेंसी मीटिंग बुलाना है, और भी मतलब कि जैसे कि टास्क कितना करना है, ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो और ये आप बिल्कुल आराम समझ सकते हो। अगर आपको अपने दोस्त को इस मैप में जोड़ना है तो आपको जो कोड दिख रहा है ये वाला कोड, उसको वो शेयर करना पड़ता है, और वो जब वो कोड को क्लिक करेगा या उसको लिखेगा, और वो कहाँ पे लिखना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ इसको लीव करने के बाद। तो ये प्राइवेट सेक्शन में जाना है और आपको ये कोड को यहाँ पे पेस्ट कर देना डायरेक्टली, मतलब आपके फ्रेंड को, तो आप लोग फिर साथ में खेल पाओगे। लैन के थ्रू भी चलता है, ऑनलाइन भी चलता है। तो मैं एक पब्लिक गेम में जुड़ जाता हूँ जो कि ऑनलाइन है ऑफकोर्स, क्योंकि अभी मेरे पास उतने सारे फ्रेंड तो है नहीं कि जिसको मैं बुला लूँ। तो मैं जल्दी से कोई सा भी एक वर्ल्ड में, मतलब कि एक मैप में जुड़ जाता हूँ। अब आप देख सकते हो कि ये जो मैप है इसमें नौ लोग आ चुके हैं और ये जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है। आप चाहो तो इतना देर में अपना अवतार को भी चेंज कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। तो जी हाँ, हम लोग बन चुके हैं इंपोस्टर। अब हमारा काम है कि हम लोग को क्रूमेट को मारना है। अब अगर मैं ऐसा ही मारने चल जाऊँ, किसी को सामने मार दूँ, तो वो मुझे वोट आउट कर देंगे। तो हमें ट्राई करना है कि छुप के जितना हो सके उतना ही इन्हें मारना है, और इनका कुछ टास्क होता है और हम लोग को भी कुछ फेक टास्क कर सकते हैं ताकि इन लोग को लगे कि भाई हम लोग भी क्रूमेट हैं। तो ये देखते हो तो मैंने लिया पहला किल, और ये जो टाइम दिख रहा है अब मैं इतने देर के बाद ही दूसरा किल कर पाऊंगा, इसको किल कूलडाउन बोलते हैं। अगर मैं इवेंट के अंदर हूँ तो ये किल कूलडाउन जो है वो घटता नहीं है, यहाँ पर अगर मैं ऊपर निकलूँगा सरफेस में से तो ये किल कूलडाउन घटेगा, और आप देख सकते हो जैसे कि अब देखो अब इसका सेकंड जो है वो घटने लगा है। अब मैं इतना देर में चाहूँ इसको मारना तब भी मैं इसको नहीं मार सकता हूँ क्योंकि किल कूलडाउन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। उसके बाद आपको ये सब जो एरिया दिख रहा है आपके मैप में, आप यहाँ पे सैबोटेज कर सकते हो, मतलब क्रूमेट अपना टास्क कंप्लीट ना कर ले तो उसको आप डिस्टर्ब कर सकते हो नए नए प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आपके शिप में। अब मैंने इसको मान लो जैसे किया किल, आपने देखा और किसी ने कर दिया डेड बॉडी फाउंड, तो अब होगा क्या, वोटिंग। आपको ट्राई करना है, ऐसा बताना है, झूठ बोलना है कि भाई नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। आपकी किस्मत सही रही तो आप बच जाओगे, वरना
अगर किसी ने देख लिया है या फिर आप पे लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं तो जी हाँ, फेंकाना पड़ेगा आपको भी से बाहर, मतलब कि आपको होना पड़ेगा गेम से बाहर। पर ऐसा नहीं है कि आप मर जाओगे तो गेम से बाहर हो गए और गेम ख़त्म, उसके बाद भी बहुत कुछ करना रहता है। और मुझे उम्मीद है कि मैं इस बार बाहर फेंकाने ही वाला हूँ। तो आप देख सकते हो मैं हो चुका हूँ वोट आउट, और मतलब कि अब मैं गेम में नहीं हूँ। हाँ तभी पर मैं गेम में कुछ कुछ कर सकता हूँ, मतलब जो भी टास्क मेरे बचे रह गए वो टास्क कर सकता हूँ, और जो सैबोटेज वाला चीज़ है मतलब कि लोगों को प्रॉब्लम करने वाला वो भी मैं कर सकता हूँ। इसी बीच मैंने नया गेम स्टार्ट कर लिया ताकि हमें एक बार क्रियूमेट मिल सके और मैं आपको आगे समझा सकूँ। तो जी हम लोग बन चुके हैं क्रियूमेट। क्रियूमेट को करना क्या है कि आपके मैप में जो ये जो येलो येलो साइन दिख रहे हैं ये सभी जगह पे आपको जाना है, कुछ टास्क मिलेंगे सिंपल से उसको आपको कंप्लीट करना है। टास्क डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, तो आपको टास्क जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का ट्राई करना है, और ट्राई करना है कि ज़्यादा अकेले भी ना रह जाए, ज़्यादा ट्राई करना है कि झुंड में रह जाए, क्योंकि हो सकता है कि आप अकेले हो तभी कोई इंपोस्टर निकले इवेंट से और आपको मार दे। तो आपको जल्दी जल्दी जितना हो सके टास्क कंप्लीट करना है। और इसी बीच किसी ने इमरजेंसी मीटिंग क्रिएट कर दिया, मतलब कि किसी को सस्पेक्ट है किसी पे, तो आप देख सकते हो इसमें इमरजेंसी मीटिंग में आपको ट्राई करना ऐसा है कि हाँ भाई क्रियूमेट हूँ मैं, वरना अगर आपको लोग समझेंगे इम्पोस्टर तो आपको भी वोट आउट कर सकते हैं। और ये काफ़ी मज़ेदार गेम है, मतलब कि आपको इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। टाइम के साथ हो सकता है कि हाँ आप नए नए ट्रिक्स भी सीख लो इस गेम के और आप थोड़ा फास्ट हो जाओ। अभी मैं एक तरह का न्यूबी ही हूँ, मतलब कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मेरा ये गेम खेलते हुए, पर हाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं तो मुझे ट्राई करना है कि मैं वोट आउट नहीं हूँ और दूसरे को वोट आउट करना है, या फिर आप चाहो तो वोट में स्किप भी कर सकते हो अगर आपको नहीं मालूम है कि क्या करना है। तो वोटिंग होने वाला है ख़त्म और देखते हैं कौन होगा वोट आउट इस बार। अब सेम अगर आप पीसी में भी खेलते हो तो आपको यही कुछ करना रहता है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप सेम चीज़ मतलब पीसी में भी खेल सकते हो और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। पीसी हमको कुछ आसानी भी होती है कुछ कुछ टास्क कंप्लीट करने में, स्मार्टफोन में कुछ टास्क करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर हाँ तब भी ठीक बात है, स्मार्टफोन के लिए गेम आ रहा है, आप क्या चाहिए। तो आप देख सकते हो एक बंदे को हम लोगों ने कर दिया है वोट आउट। अब देखना यह है कि ये इम्पोस्टर था या फिर नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ये इम्पोस्टर नहीं था, मतलब कि दो इम्पोस्टर अभी भी गेम में बचे हुए हैं और अब चांसेस ज़्यादा हो चुके हैं उनके जीतने का, क्योंकि अब क्रियूमेट कम बचे हैं, अगर क्रियूमेट ख़त्म हो जाएंगे तो वो लोग जीत जाएंगे। तो मैं आ गया अपना लास्ट टास्क कंप्लीट करने, लास्ट मतलब कुछ टास्क ही मेरे बचे हुए हैं उसको कंप्लीट करने, और इसी बीच मुझे दिख गया एक डेड बॉडी, तो मैंने इसको किया रिपोर्ट। अब क्या करना है अब मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने बॉडी यहाँ पे फाउंड किया, यहाँ पे ये सब चीज़ है। अगर लोग मेरा भरोसा करते हैं और मेरी बात मानते हैं और सही इंसान को करते हैं वोट आउट जो कि एक इम्पोस्टर है, तो हमारा जीतने का चांसेस बनेगा, वरना अगर मैं वोट आउट होता हूँ तो खेल ख़त्म, क्योंकि बचेगा फिर सिर्फ एक क्रियूमेट, यानी कि हम लोग हार जाएंगे, क्योंकि इम्पोस्टर तो बच जाएंगे दो और क्रियूमेट बच जाएगा एक, तो मैच यहीं पर हो जाएगा ख़त्म। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग वोट आउट नहीं हो, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो, चैट भी कर सकते हो, तो चैटिंग के थ्रू आप ये मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ, पर हाँ कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर आप पे लोग भरोसा रखते हैं तो हाँ आप जीतोगे, वरना ख़त्म मैच आपका यहीं पे। देख सकते हो वोटिंग हो चुका है ख़त्म और इस बार कोई नहीं वोट आउट हुआ, पर हम लोग हार चुके हैं क्योंकि क्रियूमेट बचे ही नहीं। तो बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट कर देना कि हमें आगे चलकर हाउ टू वाली वीडियोस बनानी चाहिए या फिर नहीं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर प्रेस कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वाले वीडियो में।